एनसीईआरटी गाइडेंस। आज के इस वीडियो में हम डिटरमिनेंट्स क्लास ट्वेल्थ मैथमेटिक्स का नोट्स देखने वाले हैं, जो कि आप लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट नोट्स हैं, आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के पर्पज़ से भी एंड आपके कम्पिटेटिव एग्जामिनेशन के पर्पज़ से भी। अगर आप जेई मेंस की प्रिपरेशन कर रहे हो सो ये नोट्स आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाले हैं। एंड इसके लिए एक्सप्लेनेशन वीडियोज़ भी हम लाएंगे। अगर आपको एक्सप्लेनेशन वीडियोज़ चाहिए तो आप नीचे कमेंट सेशन में मुझे बता सकते हो कि आपको एक्सप्लेनेशन वीडियोज़ चाहिए। एंड यहाँ पे देखो तो डिटरमिनेंट्स ऑफ अ टू रूल्स, तो ये हमने सारी चीज़ें अच्छे से समझा रखी हैं। एंड आपको जब एक्सप्लेनेशन वीडियोज़ मिलेंगे तो आपको भी ये चीज़ें काफ़ी अच्छे से समझ में आ जाएंगी। एंड यहाँ पे देखो तो देखो यहाँ पे आपको ये सारी चीज़ें मिल जा रही हैं। इवोल्यूट करना है द डिटरमिनेंट, सो यहाँ पे आपको क्वेश्चन भी मिल रहे होते हैं, हमने प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन भी दे रखे हैं। बिकॉज अगर आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आपको बिल्कुल भी डाउट नहीं रहने वाला है। फिर यहाँ पे देखो माइनर्स एंड को फैक्टर, ये सारी चीज़ें हमने काफ़ी अच्छे से इसमें समझा रखी हैं। एंड अगर आप अभी तक चैनल पे नहीं हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड वीडियो को लाइक करना मत भूलना, बिकॉज नोट्स बनाने में बहुत ही मेहनत लगती है, वीडियोज़ बनाने में बहुत मेहनत लगती है, सो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लेना। एंड अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, आप जाके वहाँ से इजिली ये नोट्स डाउनलोड कर सकते हो। मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक या तो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल रहा होगा या तो आपको नीचे कमेंट सेक्शन में मिल रहा होगा, आप जाके इजिली वहाँ से ये नोट डाउनलोड कर सकते हो। सो नाउ हम अपने टॉपिक्स पे आते हैं। आप यहाँ पे देखो आपको यहाँ पे क्वेश्चन मिल जाते हैं कि कैसे हमने माइनर्स फाइंड किया एंड कैसे हमने को फैक्टर्स फाइंड किया। आप ये नोट्स पढ़कर ही समझ सकते हो, अगर आपने एक्सप्लेनेशन वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप ये नोट्स भी पढ़ के समझ सकते हो। बट हम आपको एक्सप्लेनेशन वीडियोस लाएंगे, बिकॉज एक्सप्लेनेशन वीडियोस लाएंगे आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। एंड अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप बोल सकते हो, कमेंट सेक्शन में बोल सकते हो या फिर आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे बोल सकते हो। फिर देखो यहाँ पे देन हमने प्रॉपर्टीज़ इसमें समझा रखी है, तो प्रॉपर्टीज़ यहाँ पे देख सकते हो। एंड कुछ चीज़ें हमने खुद की लैंग्वेज में यूज़ करी है जो नॉर्मल स्टूडेंट्स यूज़ करते हैं, बिकॉज ये नोट्स जो है हमारी सेल्फ नोट्स है, हमने उन स्टूडेंट को ध्यान में रख के बनाया है जिन्होंने अभी इस चैप्टर को बिल्कुल भी पढ़ा नहीं है, सो उस हिसाब से हमने ये नोट्स बनाए हैं। सो हमने इस चीज़ बीच में कहीं हिंदी यूज़ कर ली है, सो आई थिंक आपको ये प्रॉब्लम नहीं करेगी एंड आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। देन आप देखो तो हमने इसमें एग्जांपल भी दे रखे हैं, एग्जांपल के थ्रू सारी चीज़ें काफ़ी क्लियर हो जाती हैं एंड आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। देन आप देखो यहाँ पे प्रूफ दैट करने के लिए, तो ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछा जा रहा होता है, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस तरीके के जितने भी क्वेश्चन होते हैं आप उसको ज़रूर से सॉल्व करना, बिकॉज ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं एंड गारंटी है कि इस टाइप के क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। एंड देन यहाँ पे देखो ये रहा क्वेश्चन कुछ इस तरीके से, एंड जो हमने एबव क्वेश्चन बताया था दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। फिर यहाँ पे देखो एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स, आप बोलोगे ये डिटरमिनेंट है तो यहाँ से मैट्रिक्स कैसे आ गई, बिकॉज यहाँ पे सब डिटरमिनेंट जो है मैट्रिक्स के थ्रू फाइंड कर रहे होते हो, तो ये सारी चीज़ें हम इसमें पढ़ रहे हैं। एंड यहाँ पे देखो आइडेंटिटी मैट्रिक्स, सारी चीज़ें हम लोग आइडेंटिटी किस तरीके से हम फाइंड करते हैं। एंड ये रहा आपका ये क्वेश्चन, आप इसे ज़रूर प्रैक्टिस करना बिकॉज बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इजी हैं बट बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, इसमें मैक्सिमम स्टूडेंट गलतियां करते हैं। फिर देन आप देखो इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स, इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स भी आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछा जा रहा होता है, इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसके हमने क्वेश्चन भी आपको दे रखे हैं। एंड देन आप देखो प्रॉपर्टीज़, देन उसके बाद आप देखो यहाँ पर भी हमने सारे क्वेश्चन मेंशन कर रखे हैं ऑलरेडी, बिकॉज मैथ्स है तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए क्वेश्चन में। देन आपका जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है दैट इज़ द सिस्टम ऑफ अ लीनियर इक्वेशन, ये आपका पूछेगा आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में, जिसको आपको मैट डिटरमिनेंट्स के थ्रू फाइंड करना होता है। आपको कुछ इस तरीके से मैट्रिक्स दी रही होंगी, इस तरीके से डिटरमिनेंट दे रहे होंगे एंड आपको उसको फाइंड करना होता है, सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपका 8 मार्क्स में पूछा जाता है आपके एग्जामिनेशन में 8 मार्क्स में। सो आई होप कि आप समझ रहे होगे ये कितना इंपॉर्टेंट है। एंड ये रहा आपका नोट्स, वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ से चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक करना मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।